उज्जैन में दुर्गा उत्सव को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नवरात्रि पर्व में 10x10 साइज के पांडाल बनाए जाएंगे। पांडालों में स्थापित की जाने वाली माता दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट होगी। पांडाल स्थापित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा, साथ ही गर्भों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वह गाइडलाइन का पालन करें। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जहां अब तक देश में हजारों लोग मौत की गाल में समा गए, वहीं तीज त्योहारों पर भी कोरोना का खासा असर देखा जा रहा है। इसी के चलते आगामी त्यौहार को लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पंडाल में 5 फीट प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही गरबा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो नवरात्रि के लिए आदेश जारी हुए हैं, उनमें 10x10 का जो पंडाल है उसको अनुमति दी गई है। 5 फीट की प्रतिमा जो है उसको अनुमति दी गई है। इससे ज़्यादा अगर बड़ा पंडाल लगता है या फिर इससे बड़ी अगर मूर्ति स्थापित होगी तो वो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पर भी पंडालों को स्थापित किया जाना है उसकी पूर्व अनुमति भी हमारे कार्यालय से लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे पास में एक आंकड़ा रहे कि कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है और हम लोग देख सकें कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से अपनी परंपराएँ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उनका निर्वहन भी होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का जीवन और जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है, उससे समझौता किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। लोग बिल्कुल स्थापना करें, उसमें भाग लें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसको दृष्टिगत रखते हुए गाइडलाइंस जो हम लोगों ने बनाई हैं और इसका पूरी सख्ती से पालन करवाया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि कृपया इन गाइडलाइंस को ढंग से देख लें और उसी के अनुरूप व्यवहार करें, जिससे कि हमारी जो कोरोना से लड़ाई है और भी प्रभावशाली तरीके से हम लोग लड़ सकें। सर, इसमें गर्भों की भी परमिशन? देखिए, नहीं, जो गरबे जो हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और किसी भी प्रकार के गरबे की परमिशन इसमें न तो जारी करी जाएगी और न बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के गरबों का आयोजन हो सकेगा। उज्जैन में करीब 200 ऐसे परिवार हैं जो विभिन्न धार्मिक पर्व पर मूर्ति निर्माण का कार्य करते हैं। बीते गणेश उत्सव पर्व पर प्रशासन द्वारा सार्वजनिक तौर पर गणेश प्रतिमाएं बैठाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसकी वजह से मूर्तिकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु अब नवरात्रि पर्व में 6 फीट ऊंचाई तक की प्रतिमाएं पांडाल में स्थापित करने के आदेश के बाद मूर्तिकार प्रतिमाएं बनाने में जुट गए हैं और उन्हें रोजी रोटी की आस जगी है। इस बार प्रशासन के आदेश के हिसाब से मूर्ति बना रहे, 3 फीट से 6 फीट तक का आदेश आया, उस हिसाब से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्ति हम बना नहीं रहे। वैसे हम 11 फीट तक की मूर्ति बनाते, बाकी इस बार कोरोना के चलते प्रशासन ने जो आदेश दिया उसी पर काम कर रहे हैं। इस बार गणेश जी में हमारा बहुत लॉस हुआ और बड़ी बड़ी मूर्ति इस बार माता जी की नहीं बैठेगी, उससे भी हमारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। हमारी उज्जैन जिले के आसपास सभी दूर जाती है, नागदा, खचरौत, इधर बड़नगर तक। कितने दिनों से मूर्तियाँ बनाते हैं? मूर्तियाँ तो भैया हम कम से कम मान लो 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं माता जी बनाना भी, और गणेश जी का तो फिर 8 महीने करीबन पहले से काम चालू हो जाता है। हमारे यहाँ मतलब 2 महीने पहले से ही दुर्गा उत्सव की तैयारी चालू हो जाती है। अभी कल से ही मतलब मूर्तियों की प्रतिमाओं की परमिशन दी है 6 फीट तक की, पर हमारे यहाँ पहले से ही बड़ी मूर्ति प्रतिमाओं का वो हो गया था, बनना चालू हो गई थी। कोरोना के कारण इस बार बहुत नुकसान हुआ है हमारा, तो अब हमने कल से तैयारी और चालू कर दी है प्रतिमाओं बनाने की। छोटी मूर्तियाँ ही बनाते हैं हम, छोटी भी। कहाँ कहाँ जाती है मूर्ति? उज्जैन में सभी दूर जाती है, बाकी नागदा, बड़ौदा वगैरह सभी दूर जाती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी के चलते शासन ने नवरात्रि त्यौहार को लेकर कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इस बार प्रतिमा और पंडाल को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पंडालों में इस बार गरबा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे माता के भक्तों में ज़रूर थोड़ी निराशा देखी जा रही है। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।